जिला पुलिस पहुंच को बड़ी कामयाबी मिली। हालिया दिनों में एक शख्स पर हमला करने वाले मुलजमान को किया गिरफ्तार। एसएसपी पुंछ ने दी तफसीली जानकारी। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से एसओ मोहम्मद यूनुस खान की क्यादत में मुख्तलिफ मुकामात पर लगाए गए नाके, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट्स का लिया गया जायजा, खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ काटे गए चालान। साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि आज हमने यहां नाखावली चौक में जो ड्राइव हमारी चल रही है, हमने आरटीओ ऑफिस से जो नंबर प्लेट वाले लगाने वाले उनको हमने हाई किया हुआ है, वो हमारे पास है, इस वक्त मौजूद है यहाँ पे। जो वायलेटर की नंबर प्लेट नहीं है वो यहाँ पे आके नाखावाली चौक में अभी वो अपनी पर्ची कटवा सकता है। वो जो बाइक्स की है वो 200 कुछ की है और फोर व्हीलर की 400 कुछ की है, तो वो यहाँ पे आके आरटीओ ऑफिस का जो हमारा बंदा है यहाँ पे उससे पर्ची कटवा सकता है नंबर प्लेट। आर्मी रेड क्रॉस दिन के सिलसिला में तकरीबात का सिलसिला आज भी रहा जारी। जडियो कुनैया अनवर खान की क्यादत में मुसव्वरी मुकाबला करवाया गया, बच्चों में इनामात भी किए गए तकसीम। इसको रेड क्रीसेंट भी कहा जाता है, रेड क्रीसेंट जिसको उर्दू में कहते हैं हलाले अहमर। जो मुस्लिम कंट्रीज है जिस तरह ईरान है, सऊदी अरेबिया है, जहाँ इस्लामिक लॉ के तहत हुकूमत होती है इस्लामिक कंट्रीज, वहाँ रेड क्रॉस नहीं होता, वहाँ इसका नाम है रेड क्रीसेंट। क्रीसेंट किसको कहते हैं पता है? सी आर ई एस ई एन। बच्चों ने यहाँ पेंटिंग भी की है रेड क्रॉस डे पे। तो रेड क्रॉस डे जो है इसकी फाउंडेशन जीन हेनरी डॉन ने 1820 में रखी हुई थी और 8 मई को ये मनाया जाता है, क्योंकि कल एतवार है, इस वजह से हमने इसको 7 मई को ही सेलिब्रेट किया है। 8 मई को इसलिए ये प्रोग्राम सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि 8 मई को जीन हेनरी डॉन का बर्थडे है। तो ये वर्ल्ड वाइड ये डे मनाया जाता है। रेड क्रॉस डिज़ास्टर होता है या कोई इस किस्म का मामला हो जाता है तो उस सूरत में रेड क्रॉस जब सामने आती है तो उसके पास उसके बैग में काफ़ी बड़ा फंड होता है, क्योंकि मेरे 10 रुपये 100 रुपये 50 रुपये अहमियत नहीं रखते, लेकिन हिंदुस्तान का जब 130 करोड़ आदमी 1-1 रुपया भी दे देगा तो हमारे पास एक साथ 130 करोड़ रुपये हो जाएंगे। कतरे कतरे से जो समुंदर बनने वाला मामला है वो हमारे काम कर सकती है। गवर्नमेंट हाई स्कूल सनई में भी रेड क्रॉस दिन पर तकरीब मुनक़द की गई, सम्पोजियम और रैली का किया गया इनेकाद। प्रोग्राम के दौरान इम्तियाज मुगल ने की निज़ाम इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी को मनाया जाता है। हर दिन में हेनरी ड्यूनट की याद में मनाया जाता है। हमारे मुल्क में इंडियन रेड क्रॉस 1920 में कायम की गई थी। इसकी 655 ब्रांचेस हैं और पूरे मुल्क में ये समाजी फलाह बहबूदी का काम करती हैं, जिसमें मेडिकल सर्विस, एम्बुलेंस, फैमिली प्लानिंग और दीगर काम करती हैं। शुक्रिया। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, इसकी अहमियत आपको पता ही है कि रेड क्रॉस हेल्थ एजेंसी जो है वो दो किस्म की होती है। एक हो गया इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, एक हो गया नेशनल हेल्थ एजेंसी जैसे इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी है। तो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी का काम है इंडिया के अंदर लोगों का इलाज मुआवजा करना, उनकी इमदाद करना। तो लास्ट में इम्तियाज साहब ने तीनों पार्टिसिपेंट स्टूडेंट्स के लिए अनाम
जो है वो पेश किया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ वो तीनों स्टूडेंट स्टेज पर आए और अपना इनाम जो है वो रिसीव करें। एमडी बांडे मेमोरियल सोसाइटी ने की तकरीब मुनक्कद तारिक खान के एजाज में मुनक्कद है। तकरीब के दौरान पुलिस और जिला अफसरान के अलावा सियासी समाजी कारकुनान और सिविल सोसाइटी मेम्बरान ने की शिरकत। तारिक खान की खिदमत को सराहा। हम देखते थे कि पांडे साहब के जो साथी थे हिंदू मुसलमान सिख कहीं भी कोई लहर लगती थी। हम देखते थे कि पांडे साहब के साथ हिंदू मुसलमान सिख क्या वो मुसलमान की लहर है या हिंदी साथी शेर तो तेरे ठीक है। महेंद्र के सियासी व सामाजिक कारकुनान साद चौधरी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पहाड़ी तबका के साथ नाइंसाफी करने का लगाया मरकजी सरकार पर इल्जाम। भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा का जम्मू में एहतजाज। केजरीवाल और पंजाब के सीएम के पुतले जलाकर किया गमों गुस्सा का इजहार। आज यहां जो छीड़ी चौक में प्रदर्शन रखा गया है भाजपा ओबीसी मोर्चा द्वारा और राजिंदर बाजार वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा, यहाँ के जो लोग हैं पिछले 70 साल 1947 के बाद ये जो लोग पीओजेके से आए थे वो लोग बड़ी परेशानी में हैं। तब से इन लोगों की जो परेशानी इतने भाजपा के तर्जमान वाई वी शर्मा की जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट मुनसफाना तौर पर मुरतब। जम्मू के शहीद चौक में भाजपा ओबीसी मोर्चा ने किया एहतजाज। महकमा कस्टोडियन पर लगाए इल्जाम। कहा मकानात में रहने वालों के साथ इंसाफ नहीं किया जाता। आज यहां जो शहीद चौक में प्रदर्शन रखा गया है भाजपा ओबीसी मोर्चा द्वारा और राजिंदर बाजार वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा, यहाँ के जो लोग हैं पिछले 70 साल 1947 के बाद ये जो लोग पीओजेके से आए थे वो लोग बड़ी परेशानी में हैं। तब से इन लोगों की जो परेशानी इतने सालों से परेशानी है। प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज किश्तवाड़ ने डॉक्टर मोहम्मद शाहनवाज की लिखी किताब की रस्म रोनमाई। लोग कहते हैं कि गांव में इल्म का नूर नहीं है। ऐसा नहीं है, नूर कहीं भी पैदा हो सकता है। डॉक्टर शाहनवाज के वालिद मोहतरम शमसुद्दीन साहब भी हमारे यहाँ हमारे सामने तशरीफ फरमाए। जो पेशे से टीचर रहे पार्टी के लोगों को पढ़ाया। एक टीचर जो है फ्रॉम गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल किश्तवाड़, ही गॉट ग्रेजुएटेड फ्रॉम दिस वेरी कॉलेज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज इन द ईयर 2005। देन फॉर हायर स्टडीज ही मूव्ड टू भोपाल मध्य प्रदेश एंड डिड हिज। सिख ऑर्गेनाइजेशन ने जम्मू में की प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्कद। हदबंदी महेंद्र के सियासी व सामाजिक कारकुनान साद चौधरी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पहाड़ी तबका के साथ नाइंसाफी करने का लगाया मरकजी सरकार पर इल्जाम।